बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ टकाटक की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। कुछ लोग इसे टकाटक कहते हैं, कुछ लोग कटाकट कहते हैं, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बकरा ईद के लिहाज से बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। ये बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में, वो भी बगैर तवे के। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया और इसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज का प्याज लिए थे और उसमें मैंने चॉप कर लिए, वो मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसे आप फ्राई कर लें, इन्हें बस स्टिल फ्राई कर लें हल्का सा। ये मोस्टली तवे पे बनते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के पास तवा नहीं है, आप लोग इसे कुछ भी बर्तन पर बना सकते हैं। आप लोगों को खाने में वही टेस्ट, वही फ्लेवर मिलेगा। और अब इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये देखिए फ्राई हो गया। यहाँ पे मैंने गुद्दर कपूरे लिए और उन्हें मैंने कटलेट ट्रे पे छोटे पीसेस में काट लिए। ये आराम से इसके पीसेस जो हैं वो कट जाते हैं। अब इसके अंदर मैंने इन्हें ऐड कर दिया। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब इसे थोड़ी देर भूने। ये देखिए इन्हें मैंने भून लिया। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए, उन्हें मैंने स्लाइसेस में काट लिए, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और अब आप इसे कवर कर दें 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखिए गल गए हैं, मैंने इसका कवर जो है वो उतार दिया। इसे मीडियम लो फ्लेम पे आपने कवर करना है। अब इसे चम्मच से इस तरह कर लें ताकि इसका मज़ीद टकाटक बन जाए। जब ये तवे पे इस तरह से टकाटक करते हैं तो ये बड़ी अच्छी चीज़ की साउंड निकलती है। आपने अक्सर रेस्टोरेंट्स में इस साउंड सुनी होगी। और यहाँ पे मैंने मसाले लिए हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के नमक, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया पाउडर। आप ये सब मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इन सब मसालों को मैंने अंदर ऐड कर दिया और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और इन मसालों को भी अंदर भून लें। ये देखें, ये बहुत ही मज़े की स्मेल आ रही है इसकी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब इसके अंदर मैंने 1 कप योगर्ट ऐड कर दिया, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और अब मैं इसे फिर कवर कर रही हूँ 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया है लास्ट पे। और अब मैं इसके ऊपर फ्रेश धनिया ऐड कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचे। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत ही मज़े का बना है और इसकी बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और आप लोग इसे ईद पर ज़रूर बनाइएगा। अगर आपने ईद के फर्स्ट डे बनाना है तो आप बना लें, वरना ये नेक्स्ट डे आप नाश्ते में भी इसे बना सकते हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये ईद के लिए आज से बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। तो देखिए हमारा टकाटक तैयार हो गया है बगैर तवे के।
और ये बहुत ही मज़े का बना है। आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।